बोलो चुटकी, क्या कुछ हुआ है अभी तक आपके हेयर में? मेरा बाल में 6 टाइम स्मूथनिंग हो गया, उससे ऊपर भी हो गया ज्यादा। ओके। और बहुत हेयरफॉल हो रहे हैं। बहुत ज्यादा है। हेयर काफी ज्यादा रफ दिख रहा है, जैसा कि देखो कि हाथ फिंगर्स ऊपर फिंगर्स में बाहर आने को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टेंगल और रफ एंड ड्राई है। नीचे के जो एड्स दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे स्ट्रेटनिंग किए हुए हैं। आई थिंक हो गया 1 साल चुटकी, 1 साल से स्ट्रेटनर हेयर है ये, तो इतने काफ़ी ज़्यादा रफ और ड्राई हेयर है, देख सकते हो यहाँ पे कि टेंगल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, पूरा फ्रीजी है हेयर। तो चलो लेट्स डू इट, आज हम इनको करेंगे क्यूडी मैक्स प्राइम और मैक्स प्राइम ट्रीटमेंट से, देखते हैं कि कैसा आता है इनका रिजल्ट। द बेस्ट वी विल ट्राई एंड द बेस्ट वी विल ट्राई। तो हेलो माय फ्रेंड्स, तो हम लोग ने चिराग सर का आवाज़ देना था इसमें शैम्पू में, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी थे। तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम लोग कीओडी मैक्स प्राइम यूज़ करने जा रहे हैं कैरेटीन शैम्पू। तो हम लोगों को शैम्पू कैरेटीन करने से पहले हम लोगों को वॉश करना है हेयर को 3 टाइम्स, और हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं अमेजोन सीरीज का शैम्पू। तो आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से एप्लीकेशन करना है, और 3 टाइम्स आप लोगों को अच्छी तरह से डीप क्लिनजिंग शैम्पू यूज़ करना है, और दूसरा कोई शैम्पू नहीं यूज़ करना है। ठीक है गाइस, बहुत अच्छी तरह से आप लोग ने रिंग्स आउट करना है, बहुत अच्छी तरह से शैम्पू करना है, जिससे अच्छी तरह से बालों में, अच्छी तरह से आपके हेयर पे बहुत अच्छा तरह से डस्ट निकल जाए। तो मेन इसका प्रोसीजर यही है, हमको अच्छी तरह से शैम्पू करना है, क्यूटिकल्स बहुत अच्छी तरह से ओपन करना है। ठीक है, तो बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस क्यूडी एंड एप्लीकेशन देख लो, आप 1 इंच थिक सेक्शन लेते हो, ठीक है, एंड उसके बाद 2 एंड देन 3, दैट्स इट। एंड उसके बाद आप डायरेक्ट इमल्सीफाई, प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है तो इमीडिएटली इमल्सीफाई हो जाता है देखिए, ठीक है। एंड देन टेलकॉम से जो अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो प्लीज़ उसको स्क्वीज आउट कर लो, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हेयर में कोई बेनिफिट नहीं देगा आपको एडिशनल, ठीक है। सेम मेथड से पूरे हेयर पे हम एप्लीकेशन ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आप इसको कवर करके रख देंगे, क्लीन फिल्म आता है, अगर चाहो तो नहीं तो आप क्लीन फिल्म लगा सकते हो, एब्सोल्युटली क्लीन फिल्म लगा के 45 मिनट्स के लिए वेट करते हैं, एंड देन वी विल बी बैक। लेट हो जाएगा तो कुछ हो। तो गाइस, हम लोग ने क्रीम 45 मिनट्स के बाद हम लोग ने छोड़ने के बाद हमको स्ट्रेट ब्रोडल करना है मीडियम हीट में, बहुत अच्छी तरह से हमने सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग ने स्ट्रेट ब्रोडल करना है मीडियम हीट में। ये याद रखना, फुल हीट में मत यूज़ करना गाइस, मैं आपको पहली बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग ने आइनिंग करना है बहुत अच्छी तरह से फुल हीट पे, क्योंकि हम लोग जितना हीट करेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट पेरिनेट होएगा। तो ये याद रखना, सेक्शन बाय सेक्शन मीडियम सेक्शन में अच्छी तरह से आपको आइनिंग करना है, ठीक है गाइस। तो हे गाइस, तो हम लोग ने अब आइनिंग कर चुके हैं, तो अब हम लोग ने 10 मिनट्स वेट करना है। अब आपको शैम्पू, इसके बाद 10 मिनट्स के बाद आपको शैम्पू सेशन लेके आपको बताएं। तो हम लोग ने शैम्पू सेशन में लेके चले गए, तो हम लोगों को वार्म वाटर यूज़ करना है, जिससे हमारा क्रीम अच्छी तरह से स्टिकीनेस चले जाए, तो ये याद रखना। तो हम लोग ने मास्क यूज़ करना है, ट्री का हम लोग यूज़ कर रहे जा रहे हैं, और आपने अच्छी तरह से एप्लीकेशन करना है, रूट्स टू एंड तक आप लोग ने अच्छी तरह से लगाना है, एप्लीकेशन करना है, बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड करना है आप लोग ने, ये याद रखना। और इसको भी 10 मिनट छोड़ देना, 10 मिनट्स के बाद आपको रिंग्स आउट कर देना। तो आपको अब दिखाते हैं आपको इसका रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट दिखाने से पहले आपको ये बता देता हूँ, मास्क लगाने के बाद आपको अच्छी तरह से आपको रिंग्स आउट करना है, ठीक है। तो अब आपको फाइनल रिज़ल्ट। तो हम लोग ने रिंग्स आउट करने के बाद हम लोग मीडियम ड्राई यूज़ करना है आप लोग ने, फुल ब्लो, ठीक है। तो आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं गाइस। नमस्ते, आज हम लोग ने किया है क्यूडी एंड देख सकते हो ये इनका है नेक्स्ट पहले का बाल देखा था कितना रफ हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, आपको कैसा लगा करने में? आई जस्ट वांट टू से कि गो एंड गेट योर क्यूरी डन, ठीक है, बहुत अच्छा है।